अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो, आपके साथ पीएसएल 2023 के आठवें एडिशन के हवाले से बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। वनिंदु हसरंगा और मोहम्मद आमिर पीएसएल 8 से 10 बरदार, क्या अब दोनों के मुतबादल का फैसला होगा और अब क्या अहमद शहजाद पर किस्मत की देवी मेहरबान होने जा रही है, ये तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर यूं कहें तो बिल्कुल गलत ना होगा, वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि वनिंदु हसरंगा पीएसएल 8 से 10 बरदार हो चुके हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर ने वनिंदु हसरंगा के साथ इब्तदाई 6 मैचेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद वनिंदु हसरंगा ने टेस्ट सीरीज के लिए चला जाना था, लेकिन 3 मैचेस गुजर गए, वनिंदु हसरंगा क्वेटा ग्लेडिएटर के लिए नहीं आया। वो अपने कोई नेशनल टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, 4 डे का एक मैच हो रहा था उसमें वो खेल रहे थे, लेकिन अब जो 3 मैचेस बाकी थे क्वेटा ग्लेडिएटर के, क्योंकि 6 मैचेस के लिए उन्होंने आना था, तो अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी किया है वनिंदु हसरंगा को लेकर कि हम हसरंगा को एनओसी जारी नहीं कर रहे हैं पीएसएल के लिए। तो ये बड़ी खबर है कि वनिंदु हसरंगा को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जारी ना करने का फैसला किया है पीएसएल 8 के लिए। अभी तक जो मैं आपके साथ ये लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूं, तो हसरंगा को एनओसी जारी नहीं की गई है, तो अब क्वेटा ग्लेडिएटर वनिंदु हसरंगा का मुतबादिल प्लेयर तलाश करेगी। हो सकता है अहमद शहजाद ही क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम में आ जाए, क्योंकि अहमद शहजाद की कमी महसूस कर रही है क्वेटा की टीम। ओपनिंग प्लेयर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, गप्टिल एक एंड से रन्स बना रहे हैं, लेकिन जैसन रॉय परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस वक्त शहजाद टीवी शो के ऊपर मसरूफ है, लेकिन हो सकता है कि अहमद शहजाद को क्वेटा ग्लेडिएटर जो है वो कॉल कर ले। और इसके अलावा अगर बात करें मोहम्मद आमिर, कराची किंग को आने वाले 2 मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, ये कराची किंग की तरफ से ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कराची किंग मोहम्मद आमिर का कोई मुतबादल खिलाड़ी यानी कि सर्च ना करे, उसका ऐलान ना करे, क्योंकि 2 मैचेस के लिए वो काम चला लेंगे। बहरहाल ये जो इंजरी का सीन बना है मोहम्मद आमिर का, कि आने वाले 2 मैचेस के अंदर मोहम्मद आमिर कराची किंग को दस्तयाब नहीं होंगे, ये बैड न्यूज है, क्योंकि कराची किंग पहले ही 3 मैचेस लॉस्ट कर चुकी है, तो ऐसे 6 मैचेस गुजर जाएंगे, रिजल्ट पता नहीं 6 मैचेस का क्या बनेगा। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज।